तहसील आमला के ग्राम मऊचंदपुर में सरकार की ओर से अनुदान देकर बनाई गई वृद्धि गौशाला में गायों की दुर्दशा देखने लायक है। ग्रामीणों की प्राप्त सूचना के अनुसार अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष अनुपम शंखधार अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मऊचंदपुर वृद्ध गौशाला में जब पहुंचे तो गौ माता 11 अधमरी अवस्था में कौवे नौच रहे थे और कई गाय ऐसी भी मिली जिनके जख्म होने के कारण कीड़े पड़े थे। गाय की मृत्यु होने के उपरांत गौशाला में ही उनको दबा दिया जाता है। इसी वजह से गौशाला में अत्यंत बदबू आ रही थी। इसको देखकर सभी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया। इस मौके पर दबी जवान ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यहाँ पर गाय को आए चोकर इत्यादि सामान को बेच दिया जाता है। मौके पर ही संगठन के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिला अध्यक्ष के निर्देशन में धरने पर बैठ गए। इसकी सूचना जब उप जिला अधिकारी को मिली तो उन्होंने तत्काल विकास खंड अधिकारी रामनगर पशु चिकित्सा पूर्णान व हल्का लेखपाल को मौके पर भेज दिया। इसके साथ ही रामनगर पुलिस चौकी इंचार्ज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। धरने पर बैठे संगठन के कार्यकर्ताओं ने गौ माता राष्ट्रमाता के नारे लगाते हुए SDM एन राम अवतार को अवगत कराया और बताया कि जब तक आप मौके पर आकर निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक धरना जारी रहेगा। SDM एन राम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर संगठन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को समझाया। मौके पर पशु स्वास्थ्य विभाग की ओर से मैत्री विनोद कुमार सिंह यादव मौके पर मौजूद मिले। जब उनसे कार्य समिति का रजिस्टर और कर्मचारियों के रजिस्टर के विषय में पूछा गया तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। इस पर SDM राम ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि या तो खुद को सुधार लो वरना सख्त कार्यवाही की जाएगी। गौ माता की दशा देखकर उप जिलाधिकारी एन राम ने संगठन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि तहसील आंवला में जितनी भी गौशाला हैं लगातार उनका निरीक्षण किया जाएगा। अगर किसी भी गौशाला में अनियमितता मिलती है तो आप लोग हमें सूचना दे सकते हैं, उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर हिमांशु सोलंकी, पवन हिंदू, निर्मल हिंदू, ब्रिजवान मौर्य, आकाश राजपूत, सोमवीर दिवाकर, लाल सिंह, सुभाष काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भैया क्या नाम है आपका? अनुपम शंखधार। कौन सा संगठन है आपका? अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल। अच्छा, यहाँ मऊचंदपुर की आपको सूचना कैसे प्राप्त हुई? हमारे यहाँ राष्ट्रीय बजरंग दल के उपाध्यक्ष आकाश राजपूत जी हैं, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हमें कई दिन से लगातार सूचनाएं मिल रही थी। हम कार्यक्रम में व्यस्त थे इस वजह से नहीं आ पाए, मगर इनके द्वारा सूचना दी गई थी, मगर यहाँ कोई सुधार नहीं हुआ। उनके द्वारा ये बताया गया कि कई दिनों से यहाँ गाय अशुद्ध हालत में बेसहाय पड़ी हैं, कोई देख रेख नहीं, कोई ट्रीटमेंट किसी प्रकार का नहीं हो रहा है। उसके बाद जब हम यहाँ आए, आने पर यहाँ जो लेबर थी उनसे हमने जब मालूमात की तो वो कह रहे हैं, आरोप लगाने का प्रयास कर रहे थे कि हम मतलब लड़ौरी में, आप गायों की लड़ौरी में आप जहर डाल दोगे। इस तरीके से हमें मतलब गौशाला में ना घुसने दिया जा रहा था। हम लोगों ने जब हमारी यहाँ संख्या बढ़ती गई कार्यकर्ताओं की, उसके बाद अंदर जब आके हमने देखा तो हमें पता लगा 11 गाय जिनकी कौओं के द्वारा आँख तक नोच ली गई हैं, उनके आँखों में कीड़े तक पड़े हुए हैं, कोई किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया गया, कोई खाने की व्यवस्था नहीं, हरे चारे की कोई व्यवस्था नहीं, 10 बजे के बाद सूखा भूस डालने का काम गौ संचालक के द्वारा करवाया गया, जो कि विनोद जी हैं। उनसे जब हमारी बात हुई तो वो हमसे कहने लगे, भैया आप ये हमें इस तरीके से ना करें, और मतलब संगठन इसकी घोर निंदा करता है, गौ माता का यहाँ बुरा हाल है। हम सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से ये आग्रह करेंगे, कृपया कर गौशालाओं के जो संरक्षक हैं, जो गौशालाएं चला रहे हैं, उनसे ये कह दिया जाए, उन्हें निर्देशित कर दिया जाए कि गायों की सुरक्षा, इलाज, खान पान की व्यवस्थाएं ठीक हों। तो अच्छा, किसी अधिकारी को आपने इससे अवगत कराया है? हमारे द्वारा SDM महोदय को व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया गया है, यहाँ की वीडियो, यहाँ के हालात के बारे में बता दिया गया है। LIO को भी इसके बारे में बता दिया गया है। तो यहाँ आप लोग अपने संगठन के साथ जो है धरना पर यहाँ बैठे हुए हैं जब तक कि यहाँ पर हमें, हमारी सिर्फ इतनी मांग है, हमारा किसी से व्यक्तिगत कोई देश भावना नहीं है, हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि गौ माता के साथ उसके साथ अनदेखी ना हो, खान पान की बढ़िया व्यवस्था हो जाए,
हम सिर्फ इतना चाहते हैं, हमारा संगठन इतना चाहता है कि यहाँ गौ माता की देखरेख बढ़िया हो, जो घायल जख्मी अवस्था में उनका ट्रीटमेंट हो, और जो मतलब मरने की कंडीशन में है, जो कि अशुद्ध अवस्था में जो पड़ी हैं, उनका रखरखाव बढ़िया हो जाए। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हमारे संगठन की इतनी मांग है कि गौ माता का के साथ अनदेखी ना हो। अच्छा, तो यहाँ पर धरने पर लगभग कितने लोग बैठे हैं आपके साथ इस समय? हम करीब यहाँ 35-40 की संख्या में हैं, और ग्रुप में मैसेज पढ़ने के बाद लगातार यहाँ संख्या बढ़ने की लग रहा है, और कार्यकर्ता आ भी रहे हैं।